तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सिमी और मम्मी। तो यहाँ पर बज रहे हैं 7। वैसे तो मैं 6:30 बजे उठ गई थी और फ्रेश हो चुकी थी और अभी 7 बज गए हैं, तो मैं घर का भी काम कर लेती हूँ, थोड़ा बाहर झाड़ू उड़ू मारना और साफ़ सफाई कर लूँगी। और अभी भी मेरे पास बहुत टाइम है तो आराम से काम कर सकती हूँ, लेकिन क्या होता है ना, थोड़ा रूटीन से इधर उधर हो जाओ तो हड़बड़ी लगी रहती है। वैसे ही मेरे साथ हो रहा है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मैं थोड़ा लेट उठ रही थी, सिमी का कॉलेज वॉलेज सेकेंड ईयर ख़त्म होने के बाद से मुझे सुबह टाइम रहता था लेट से उठ के काम करने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा 10 बजे तक निकलते हैं, तो मैं आराम से सुबह काम जो भी है निपटा के लंच बॉक्स प्रिपेयर कर सकती थी। लेकिन अब जो है सिमी का कॉलेज डिग्री फर्स्ट ईयर PSC लेके वो पढ़ रही है, वो उसका आज से कॉलेज स्टार्ट हो गया है, तो वो दोनों पहले ही निकलेंगे क्योंकि सिमी का थोड़ा कॉलेज दूर है तो मेरे हस्बैंड उसे लेके जाएंगे साथ में, तो दोनों एक ही साथ निकलेंगे। इसलिए मुझे जो सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन है वो स्टार्ट कर दिया है मैंने। और वैसे भी बहुत जन बोलेंगे कि सुबह उठ के काम करना अच्छा होता है, सही में सुबह काम अगर कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है टाइम टू टाइम, और माइंड भी फ्रेश रहता है और टाइम टू टाइम काम भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी अपना लंच बॉक्स प्रिपेयर करने के लिए। किचन में रात ही को साफ़ कर लेती हूँ इसीलिए मुझे सुबह टेंशन नहीं रहता, और रात को ही मैं सोच लेती हूँ कि सुबह मुझे क्या बनाना है, इससे ये टेंशन भी ख़त्म हो जाता है और मेरा अगर पहले से प्लानिंग कर लिया जाए तो इजी हो जाता है काम, हमारा डे टू डे लाइफ जो टाइमिंग है वो मेंटेन रहता है और ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं जीरा राइस बनाने के लिए बड़ा वाला कुकर लिया था, और ये जो मेरा बड़ा कुकर है ना उसका जो रबड़ है अगर उसे निकाल के फिर धो के बैठाऊँ नहीं तो विजल ठीक से आता नहीं है, तो वही मैं कर रही थी और वो निकल नहीं रहा था, तो फाइनली निकला तो मैं उसे धो के फिर कुकर को जो है ढक्कन लगा दूंगी। और यहाँ पर मैंने सिंपल सा जीरा राइस बनाया, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, तेजपत्ता लौंग इलायची जो खड़े मसाले हैं और जीरा डाल के बस भून दिया है राइस डाल के, और यहाँ पर सीटी लगा दूंगी। और यहाँ पर मैं लौकी आलू की सब्जी बनाऊंगी तो इसलिए लौकी ले लिया है, और सिंपल सा रेसिपी होता है सुबह डेली तो हम कुछ बहुत ज़्यादा वेराइटी नहीं बना सकते, इसलिए ऐसे भी सिंपल खाना जो है अच्छा रहता है, रोज़ मसालेदार खाना तो नहीं खाया जा सकता, तो इसलिए आज मैं सिंपल सा लौकी और आलू की तरी वाली सब्जी बनाऊंगी, और रोटी के साथ जो है हमारे घर में जो जूस वाली सब्जी होती है तरी वाली वही पसंद करते हैं, सूखा सब्जी कभी कभी मैं बना लेती हूँ, ज़्यादातर जूस वाली जो सब्जी होती है तरी वाली वही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बैठा दिया है लौकी आलू और सिंपल से टमाटर प्याज और जो भी मसाले हैं डाल के बना रही हूँ। और यहाँ पर मैं आ जाती हूँ सिमी और उसके पापा को उठाने के लिए क्योंकि 7:30 तक हो चुका था, वो लोग भी उठेंगे तो तैयार होंगे, और जब तक मैं उठाऊँ ना तो उठते नहीं है, तो इसलिए मैं एक बार उठाने चली जाती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है ये जो डेली के काम होते हैं। तो और यहाँ पर वो दोनों उठ के अपने फ्रेश होने चले गए थे, और मैं यहाँ पर बेडरूम जो एक है मेरा लास्ट में रह ही जाता है तो वही क्लीन करने के लिए आ गई थी, और रजाई वजाई फोल्ड कर लूँगी, और साथ साथ में खाना तो मेरा वहाँ बन रहा है और साथ साथ में सफाई भी हो जा रही है, तो जब जैसा टाइम मिलता है मेरा काम वैसा चलता रहता है, उसमें कोई ये नहीं है कि मुझे सुबह उठना है तो सुबह ही साफ़ कर लेना है। अगर कभी कभी नहीं होता है मेरा साफ़ सफाई साथ में, अगर तबीयत साथ नहीं दे रहा है तो मैं उस टाइम जिस टाइम जैसा होता है वैसे काम कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरा जो काम है वो टाइम टू टाइम साथ ही साथ चलते रहता है। और मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि अब तो मैं फिर सुबह उठना है काम करना है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, हम हाउसवाइफ हरदम तैयार रहते हैं ना। और साथ में देखिए यहाँ बारिश चली रही है, तो मैं देखने आ रही थी बार बार कि बारिश हो रही है, अभी सिमी आ जाएगी। तो फिर मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी अपना फेवरेट टाइम जो है चाय पीने का, मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, तो जब मैं चाय बनाने लगती हूँ तो
मेरे में अलग ही एनर्जी आ जाती है। और मतलब चाय, हम इंडियंस के घरों में तो चाय बहुत ही फेवरेट होता है सबका, और वैसे ही मेरा भी है। और यहाँ जो ये मसाला है, मिक्स मसाला है चाय का, जो कि मुझे बहुत पसंद है, वो ही चाय पत्ती मैं लेके आती हूँ। और यहाँ पर चीनी, वैसे तो मुझे चीनी वाली चाय ही पसंद है, लेकिन आज मैं डाल रही हूँ शुगर फ्री, क्योंकि चीनी ख़त्म हो चुका था, मैंने देखा नहीं सामान, तो वैसे राशन का लेके आ जाते, लेकिन आज चीनी ख़त्म हो गई थी तो शुगर फ्री डाल के चाय बनाया मैंने। और यहाँ पर मेरा जो सब्जी है तरी वाला, सिंपल सा लौकी आलू की सब्जी बन के तैयार हो चुकी थी। अब मैं इसे थोड़ा गैस में फिर से बैठाऊँगी, और यहाँ पर चाय बन रही है मेरे, और चाय बनेगी तो पीऊँगी। यहाँ पर सब्जी को थोड़ा गैस में बैठा दिया ताकि थोड़ा सा थिकनेस आए, तो थिकनेस ज़्यादा पानी पानी भी अच्छा नहीं लगता है, तो वाटरी अच्छा नहीं लगता है, तो वही मैं बैठा दिया था। और यहाँ पर साथ में मैंने रोटी भी बना लिया था, परोठा, और चाय बैठाया हुआ है। चाय मैंने कप में ले लिया है, वही मैं कह रही थी, जब टाइम मिलता है जैसा हम तैयार रहते हैं, तो आज से मेरा वही मॉर्निंग वाला रूटीन है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब जैसा होगा रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर आ गई थी, मेरा जो सिमी का वो फ्रेश हो चुकी थी, और उसका जो बाल बांधना है अभी तक मैं ही ज़्यादातर करती हूँ, अगर सिंपल सा कोई चोटी हुआ तो वो खुद कर लेती है, लेकिन उसका जो बचपन से है, आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा पोनीटेल, उसका बचपन से पोनीटेल ही चल रहा है, तो वही पोनीटेल मैं सिंपल सा कर देती हूँ, कभी कभी डिज़ाइन छोटी भी कर देती हूँ, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर सिमी जो है, फर्स्ट टाइम जो चोटी किया था वो ठीक नहीं हुआ था, तो फिर से मैंने किया और अभी ठीक है, तो वो तैयार हो चुकी है। देखिए उसका तो वैसे यूनिफॉर्म है, लेकिन अभी यूनिफॉर्म मिला नहीं है, इसलिए आज वो फॉर्मल ड्रेस में जा रही है। और यहाँ पर देखिए मैंने लंच बॉक्स भी पैक कर दिया है सिमी के लिए, और मेरा सिंपल सा आज का लौकी आलू का सब्जी तरी वाला परोठा, और सॉरी मैंने जीरा राइस भी बनाया था लेकिन वो वीडियो में मैं नहीं डाल पाई, वैसे सिंपल ही रेसिपी था, कुछ दिखाने लायक बहुत ज़्यादा नहीं था। तो यहाँ पर सिमी अपने जूते बांध ले रही है, शू पहन के जाएगी, बारिश का टाइम है इसलिए, और शू कंफर्ट भी रहता है। वही मैं बोल रही थी कि सिमी का यूनिफॉर्म है कॉलेज का, लेकिन अभी तक उसका मिला नहीं है, तो वो जब मिलेगा दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैंने आयरन के जो कपड़े हैं, मेरे हस्बैंड के शर्ट उट, वो आयरन के लिए अभी ऑफिस जाते वक्त साथ में देते हुए जाएंगे, तो वही मैं बैग में डाल दिया था। और यहाँ पर सिमी और उसके पापा दोनों बाहर निकल चुके हैं, बारिश अभी भी गिरी रही है, तो बारिश का मौसम है, अभी जो बाहर जाते हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन अच्छा भी लगता है बारिश का मौसम। और बहुत गर्मी के बाद अब बारिश होने लगी है, तो बहुत मौसम बहुत ही ठंडा ठंडा सुहाना हो चुका है। तो मैं यहाँ पर उनके जाने के बाद थोड़ा सब खड़ी होकर देख रही थी, और यहाँ पर फिर से मैं जो अपने जो सुबह का बिखरा हुआ है अभी घर, सुबह साफ करने के बाद इनके जाने के बाद तो घर थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है, वही साफ़ कर लूँगी अभी। और यहाँ पर देखिए किचन भी वैसे ही पड़ा हुआ है, इन सबको अभी समेट लूँगी। तो आज मुझे टाइम मिला है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा किचन का डीप क्लीनिंग कर लूँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दिखाया नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पर सामान वामान निकाल लिया था तो सूट नहीं किया था। और किचन उचन साफ़ करने के बाद मैं बहुत थक गई थी और वीडियो शूट नहीं किया, ये शाम का वीडियो है सिमी आने के बाद, और वह तो दोपहर में ही आ गई थी, लेकिन फिर शाम को मैंने शूट किया है। यहाँ पर सिमी बुक्स लेके आई थी अपने लिए, उसको कुछ चाहिए था, और यहाँ बच्ची खेल रही है स्लाइम के साथ, जो कि छोटी सी बच्ची है, इसे अभी भी ये सब पसंद है। और यहाँ पर देख लीजिए मैंने किचन बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था, किचन का फ्लोर मैंने क्लीन नहीं किया है, उसे रगड़ के साफ़ करना है। तो अभी ये देख ली किचन का क्लीनिंग, ये सब दिखा रही हूँ, तो बहुत थक गई थी और वीडियो ऐसे ही शूट कर लिया था, तो कहाँ एंड करूँ पता नहीं था, तो अभी तो मैं एंड करूँगी, बहुत ही लंबा हो गया है, फिर मिलूँगी दूसरे ब्लॉग